के बीच बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर एमपी की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम फेस को लेकर खत्म होगा इंतजार, एमपी में सीएम फेस पर बोले विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय का बयान, रविवार को खत्म हो जाएगा सारा सस्पेंस। जी हां, कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा बयान दिया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको मध्य प्रदेश के सीएम फेस से जुड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम फेस को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर एक से जीते कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है कि सीएम फेस को लेकर इंतजार खत्म होगा और रविवार तक जो है ये डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन होगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। तो जी हां, कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, रविवार को खत्म हो जाएगा सारा सस्पेंस। तो एमपी की सियासत से सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सीएम को लेकर खत्म होगा इंतजार, सीएम फेस पर बोले विजयवर्गीय, कहा कि रविवार तक सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। सीएम फेस को लेकर इस तरह का जो बयान है राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिया, और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा। अभी मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर भोपाल से विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग, बात की जाए यहां पर सीएम फेस को लेकर, जब से चुनाव जीती है बीजेपी तब से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है बाजार घर में, कौन होगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। और इसी दौर जो है खुद मुख्यमंत्री के दौर में माने जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि रविवार तक सीएम फेस को लेकर जो है सस्पेंस खत्म हो जाएगा। उनके बयान के क्या माने देखे जाए अनुराग? देखिए, दो बहुत स्पष्ट बातें उन्होंने कह दी है। सबसे पहली बात ये इससे स्पष्ट हो गई है कि अभी तक के मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे कयास कई बार लगाए जाते हैं कि नहीं, ऊपर बैठे दिल्ली में बैठे बड़े नेता पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सब कुछ तय कर चुके हैं। लेकिन जब खुद राष्ट्रीय महामंत्री ये कह रहे हैं तो बहुत स्पष्ट है कि अभी इसमें समय लगने वाला है। समय अवधि भी उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बताई है, रविवार। वैसे भी हम आपको बता दें, लगातार ये बात कही जा रही है कि शनिवार के दिन जो है वो पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश आ सकते हैं और रविवार के दिन नाम का ऐलान हो सकता है। और कैलाश विजयवर्गीय भी कहीं ना कहीं उसी बयान को सहमति देते नजर आ रहे हैं, जो खबरें हमने पहले से बताई हैं उसी पर उनकी भी हामी है। तो निश्चित रूप से जो सस्पेंस है वो दो दिन तक के और बना रह सकता है, यानी दो दिन नहीं तो कम से कम अगले 24 घंटे तक बना रह सकता है। आज की बात करें, आज गुरुवार है और शुक्रवार को भी जो है नाम सामने नहीं आएगा, कल भी, और शनिवार के दिन जो है पर्यवेक्षक आ सकते हैं, और उसके बाद शनिवार शाम या रविवार सुबह वो नाम जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं कि किसका नाम होगा, सस्पेंस कैसे खत्म होगा, वो नाम सामने आएगा। और कैलाश विजयवर्गीय ने इसी तरफ इशारा किया है कि रविवार तक के मुख्यमंत्री के नाम के लिए इंतजार करना होगा मध्य प्रदेश के लोगों को और सियासी चेहरों को भी। जी बिल्कुल अनुराग, देखना होगा कि अब रविवार के बाद जो है कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, इससे पर्दा उठ जाएगा। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी को साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश के जुड़ी आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर सीएम फेस को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का बयान, रविवार तक जो है सस्पेंस खत्म हो जाएगा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होगा इसका ऐलान भी हो जाएगा।